इस वीडियो को देखने वाले सभी जनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सहाय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में कार्यरत हूं। इसके अभियंत्रण विभाग में हम लोग चारा उत्पादन एवं चारे में प्रयोग होने वाली मशीनों के बारे में अध्ययन करते हैं, शोध करते हैं एवं कुछ नई मशीनें बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही चारे के प्रसंस्करण में प्रयोग होने वाले उपकरण, चारे के अन्य कार्यों में प्रयोग होने वाली मशीनें एवं उपकरण यह हम अभियंत्रण विभाग में अध्ययन करके बनाते हैं। जो मशीनें बाजार में उपलब्ध हैं वो किसी तरह चारे के कुछ काम अगर आ जाएं तो उन्हें थोड़ा सा रूपांतरित करके हम चारे में प्रयोग में लेते हैं। और हमारा उद्देश्य यह है कि चारे के उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण हो, क्योंकि आजकल लेबर कम मिल रहा है, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई है, सभी ऑपरेशन का समय से पूर्ण हो जाना जरूरी है, इसलिए मशीनों पे निर्भरता बढ़ती जा रही है और मशीनों की सहायता से हम आराम से काम कर सकते हैं। तो चारा उत्पादन में विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, जिसको हम एक एक करके हर वीडियो में रिलीज करेंगे। आज हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो बेलिंग से संबंधित है। बेलिंग यानी गट्ठर बनाना। तो बेलिंग बनाने की मशीनें होती हैं, गट्ठर बनाने की कई तरह की मशीनें होती हैं। एक तो वो होती है जो एक जगह लग जाती है, ट्रैक्टर से चलती है, सारा मटेरियल, चारे का सूखा मटेरियल वहाँ पे लाते हैं, मशीन में डालते हैं और फिर वो मशीन बेल बना देती है। दूसरी मशीन ऐसी होती है जो कटे हुए चारे को खेत से इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद उसको गट्ठर बना के बांध के खेत में डाल देती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो दूसरी तरह की मशीन है, ऑटोमेटिक बेलर, ये कैसे काम करता है और क्या काम करता है। ये मशीन थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन जहाँ पे चारा बहुत होता है बारिश के सीज़न में, बरसात में, वहाँ पे कम्युनिटी बेसिस पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। और कोई कोऑपरेटिव है या मशीन बैंक है या कस्टम हायरिंग सेंटर है, उसमें ये रखी जा सकती है और जिसको जहाँ ज़रूरत हो वो किराए पे ले जाके काम कर सकता है।